एक बार एक व्यक्ति का मृत्यु होने वाला था। बहुत ज्यादा धनवान था, अमीर व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने अपने बेटा को कहा कि बेटा जब मैं मरूं तो हम तो इतने धनवान हैं, इतने अमीर हैं, समाज में हमारा इतना नाम प्रतिष्ठा है, जब मैं मरूं तो मेरे पैरों में मोजा पहना के शमशान घाट मुझे पहुंचाना, मुझे लेकर के जाना, मेरी यही अंतिम इच्छा है। अब जैसे पिताजी का मृत्यु हुआ, बेटा ने सोचा कि पापा ने ऐसा कहा था मोजा पहनाना है, मोजा लेकर के गया, पिताजी के पास गया, मोजा पहनाने लगा, लेकिन समाज के लोग रोकने लगे, ये गलत है, ऐसा करना मना है। वो कहता है कि मेरे पिताजी का अंतिम इच्छा ही यही था, लेकिन सभी ने मना किया, ये करना गलत है बेटा, मान जाओ, एक मोजा भी पहन करके जाने नहीं दिया, एक मोजा भी अपने साथ पहन करके जाने नहीं दिया। वो बालक बड़ा दुखी हुआ। पिताजी के पास में पिताजी को जब जला करके घर आया, जहां पर उसके पिता सोते थे, वहां पर एक लेटर था, एक चिट्ठी था, पत्र था। उसमें पिता ने लिखा था कि बेटा जब तुम मुझे मोजा पहना रहे थे, क्योंकि पापा को पहले से पता था कि जब मोजा पहनाएगा समाज के लोग रोकेंगे, पहन करके जाने नहीं देंगे, अंतिम यात्रा इस प्रकार से करने नहीं देंगे, तो पहले से पत्र लिख करके छोड़ दिया था, बेटा जब तुम मुझे मोजा पहनाओगे उस समय सब रोकेंगे, इस दुनिया से जब जाने वाले हैं, मृत्यु के बाद में एक मोजा तक हम पहन करके नहीं जा सकते, तो यहाँ के धन संपत्ति यही धरा के धरा रह जाएगा, एक जोड़ी मोजा भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं है, तो धन संपत्ति कैसे ले जाओगे? इसलिए जब तक यहाँ हो बड़े शांति से जियो, साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करते रहो। आप धन कमाओगे यहीं पर रखा रहेगा, लेकिन आप भजन रूपी धन को कमाओगे तो वहां तक वो साथ जाएगा। आप अपने बैंक में खूब पैसा जमा कर लो, लेकिन साथ साथ में भगवान नाम रूपी पैसा को भी अपने बैंक में जमा करते जाओ। यहाँ के बैंक में रखा हुआ पैसा केवल यहीं तक काम आएगा। आप भारत का पैसा लेकर के किसी भी कंट्री में जाइए, वहां पर यहाँ के पैसे नहीं चलते। अब तो हमारे नेपाल में भी भारत के पैसा चलना बंद हो गया। किसी देश में भी जाइए, वहां पर भारत के नोट नहीं चलते। लेकिन आपने कैसे सोच लिया यहाँ का पैसा वहां चलने वाला है? वहां बिल्कुल नहीं चलेगा। भगवान के धाम में जब हम ऊपर जाएंगे मृत्यु के पश्चात, न यहाँ के नोट चलेगा, न यहाँ के संपत्ति प्रॉपर्टी चलेगा, न जमीन चलेगा। वहां तो केवल काम आएगा आपने जो अच्छा कर्म किया है, जो सत्कर्म आपने किया है, आपने कितना भजन किया, कितना भक्ति किया, वही कर्म वहां पर काम आने वाला है। इसलिए सत्संग करें, भगवान का भजन करें, यही सब साथ जाने वाला है। अपने मन को इस संसार से हटा करके प्रभु के चरण में लगाइए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ अनित्य है, केवल भगवान नित्य है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्संग के माध्यम से भगवान से जुड़ने की कोशिश करिएगा। हम लोग केवल दुनिया में फंसे हुए हैं, हमें अच्छा मकान बनाना, खूब धन कमाना, पैसा कमाना है, लेकिन जब हम जाते हैं ना तो एक रुपया भी साथ में लेकर के नहीं जा सकते, एक पैसा भी आपके पास नहीं जा सकता। आप जब तक दुनिया में हैं, जीवन भर खूब मेहनत करके कमाई करते हैं, बैंक में जमा कर लेते हैं, लेकिन जाते टाइम वो पैसा नहीं कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे इतना मेहनत करके कमाया, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, वो नहीं कहेगा।
आपके रिश्तेदार हैं, वो भी साथ नहीं जाने वाले। यहाँ तक सात फेरे लगा करके जिस पत्नी को विवाह करके अपने घर में लाए, वो भी साथ नहीं जाने वाले। नारी गृह द्वारे, नारी केवल घर के द्वार से ही अंतिम विदा करती है, उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। और आपके भाई बंधु जो हैं, वो शमशान घाट तक जा सकेंगे, उसके बाद के सफर एक प्राणी को अकेले तय करना है। इसलिए संसार से, संसारिक रिश्ते नाते से इतना मोह मत रखिए, यहाँ से दूर जाना मुश्किल हो जाए। इसलिए जब तक दुनिया में हो, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी धन मत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसका सदुपयोग भी करते जाओ। किसी का आदत होता है महीने में अगर 20,000 कमाया तो खाने पीने में बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे, खूब बचाएंगे, उसको बचा करके ही रखेंगे, अपने खाने पीने में, घर के खर्चा में कंजूसी करेंगे, लेकिन उसका ढेर बना करके रखेंगे। लेकिन अंतिम समय वो धरा की धरा रह जाएगा, न जीते जी आपने खर्च किया, न मरने के बाद ले गए। इसलिए जो आपके पास है खूब खर्च करो, खूब कमाओ, अपने जीवन को बड़े अच्छे से जियो, लेकिन साथ में भगवान, भगवन नाम को भी कमाओ, ताकि आपका साथ वहां तक जा सके। आप जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हो, वही नाम अपने जो सत्कर्म किया, वही अच्छे कर्म आपके साथ जाने वाला। इसलिए संसारिक बंधन से दूर रह करके हरि का भजन करें, चिंतन करें। ये जिंदगी किराए के घर समान है, कुछ दिन के लिए हम यहाँ आए हैं और उसके बाद जाना जरूरी है। ये जिंदगी जो है एक दिन अवश्य ही समाप्त होने वाला है। आप चाहो, भगवान ने हमें मानव बनाया है, भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, और हम जब चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं। ऐसा मनुष्य अगर सोच भी ले, उसके लिए चाहे कितना भी कुछ कर ले, अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दे, फिर भी अपने मर्जी से इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये जीवन की सच्चाई है, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। आप चाहे कितना भी च्यवनप्राश खा लो, हॉर्लिक्स पी लो, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा। प्यार से बोलो, अरे जोड़ से बोलो ना, राधे राधे।